नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुवरेश शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। जी हां, नर्मदा परिक्रमा करते हुए आज एक भक्त दंडवत बाबा गरुड़ेश्वर तहसील के झारिया गांव पहुंचे, जिन्होंने दंडवत पर नर्मदा परिक्रमा 3 साल के लिए उठाई है और माँ नर्मदा की गोद स्थान अमरकंटक में परिक्रमा को विराम करेंगे। इस दंडवत परिक्रमा दरमियान हमारे संवाददाता गौतम भाई व्यास ने परिक्रमा करने वाले दंडवत बाबा से बातचीत कर नर्मदा परिक्रमा करने के उनके उद्देश्य के बारे में जाना। नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में आज यहां पर जरिया चौकड़ी पे एक पंडित जी आए हैं। हालांकि उन्होंने यहाँ पर परिक्रमा उठाई है और यह परिक्रमा जो है वह उन्होंने 18/10/2018 में शुरू की थी और अमरकंटक से शुरू की थी। आइए, वो हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये परिक्रमा का रूट क्या है और आगे ये कहाँ जाने वाले हैं और यह परिक्रमा कहाँ वह पूर्ण करेंगे। जी, क्या नाम है पंडित जी आपका? दंडवत बाबा। दंडवत बाबा, तो आपने परिक्रमा कहाँ से उठाई थी? अमरकंटक। और अभी कहाँ कहाँ हो के आप आए हो? अमरकंटक से ब्रह्मन घाट ओमकार जी, आपका सरदार सरोवर डैम, सुलपानीस मंदिर से सीधा समुद्र। तो अब ये जो दंडवत परिक्रमा करके आप जो आगे जाने वाले हो, तो आगे का रूट आपका कौन सा है पंडित जी? अपने यहाँ से सीधा जाए अपन आपका राजघाट से सीधा भेड़ा घाट, जबलपुर, मंडला, महाराजपुर, सीधा फिर अमरकंटक पहुंच जाए। और ये परिक्रमा जो है पंडित जी वो कब खत्म होगी? ये 3 साल लगेंगे इसको। 3 साल की परिक्रमा में निकले हो आप जी। यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा में जो आप निकले हो, तो यहाँ नर्मदा मैया के बारे में आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हो? संदेश है कि परिक्रमा से भूखे रहते, कोई प्यासी रहते, उसको चाय पानी जैसी व्यवस्था हो जाए, भोजन की, नाश्ते की, तो सेवा करो ही जी। पंडित जी, आपने ये जो नर्मदा जो परिक्रमा उठाई है, हालांकि यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर नर्मदा मैया का क्या महत्व है? नर्मदा मैया का यही महत्व है कि माँ नर्मदा के दर्शन ले तो अपना पाप सब धुल जाता है। आप कौन से गांव के हो पंडित जी? हम आलंदी पूना महाराष्ट्र। तो ये थे हमारे पंडित जी जिन्होंने हमको यहाँ नर्मदा परिक्रमा के बारे में जानकारी दी। इंडिया खबर लाइव से मैं गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।